गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक सर्विस सेंटर। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ गामा एसी के बारे में। तो बेसिकली गाइस, आप लोगों को मैं बताऊँगा कि गामा एसी पे कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलता है और गामा एसी ख़राब हो जाने से हमें पैनल के अंदर क्या क्या कुछ दिक्कतें होती है, क्या प्रॉब्लम होती है टीवी के अंदर, तो वो सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। और गाइस, ये भी बताऊँगा अगर आपका जो गामा एसी है वो अगर ख़राब हो जाए और आपको मार्केट से नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकोगे, यानी कि इसको कैसे रिपेयर करोगे, तो वो भी आपको इसी वीडियो की लास्ट में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड तक और जानते रहिए कि गामा एसी को कैसे रिपेयर करते हैं और ये एक्चुअली कैसे काम करता है। सो गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है किया, तो नीचे आपको इस तरह के रेड बटन दिख जाएगी, तो वहाँ पर जाके उसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद गाइस, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि गाइस मैं जब भी नया वीडियो डालूँगा आपके पास नोटिफिकेशन में पहुँच जाएंगे। सो गाइस, चलिए आप बात कर लेते हैं गामा एसी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक आईसी मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ, इस तरह की होती है गामा एसी। उसके अलावा आप सर्किट भी देख सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में, सॉरी गाइस, अपने स्क्रीन पे कि इस तरह से होते हैं। और उसके बाद गाइस, गामा एसी की जो आउटपुट होता है उसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है, जैसे कि मैंने इस यहाँ पे ड्रॉ करके रखा हूँ, जैसे आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, एक्चुअली हमें गामा में दो तरह की, यानी कि गामा एसी में दो तरह के हमें आउटपुट मिलता है। एक होता है गाइस लो रेफरेंस और एक होता है हाई रेफरेंस। गाइस, उसमें लिखा रहता है बोर्ड के अंदर हाई रेफरेंस कौन सा है और लो रेफरेंस कौन सी है। तो इस तरह से आपको मान लीजिए ये हो गया लो रेफरेंस की लाइन और ये हो गया हाई रेफरेंस की लाइन। तो आप मान लीजिए ये रजिस्टर गाइस, ये असेंबली रजिस्टर है, सभी लाइन में मतलब सभी आउटपुट की यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है गामा एसी में, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो इस स्क्रीन के ऊपर। सो गाइस, हमें इस तरह से मिलता है यहाँ पे, मान लीजिए लो रेफरेंस से मैं शुरू करूँ तो मान लीजिए यहाँ पे एक वोल्ट मिल रहा है, तो इसका मतलब गाइस यहाँ पे ज़्यादा वोल्ट मिलेंगे एक एक करके। तो मान लीजिए कि मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, अगर गाइस यहाँ पे एक वोल्ट दिखा रहा है तो यहाँ पे दो वोल्ट दिखाना चाहिए, यहाँ पे थ्री वोल्ट दिखाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एक वोल्ट दिखा रहा है, यहाँ पे दो वोल्ट दिखा रहा है और फिर भी यहाँ पे जो आपको वोल्टेज नहीं मिले या कम मिले, यहाँ से दो वोल्ट से कम मिले, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है, तो आपको वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। और अब अगर गाइस गामा एसी के आउटपुट में अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, ये जो रजिस्टर है आप यहाँ पे इसको चेंज करके आप यहाँ पे नया रजिस्टर भी लगा सकते हो। अगर नया रजिस्टर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे सीधे जम्पर लगा सकते हो, यहाँ पे कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस, 3 वोल्ट के 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, 9 वोल्ट, तो इस तरह से गाइस गामा एसी का आउटपुट होता है। और ये हो गया गाइस इस साइड का लो रेफरेंस वोल्टेज, लो रेफरेंस। और गाइस, अगर इस तरह से आप मेजर करते करते हुए जाओगे इधर, तो ये हो गया गाइस हाई रेफरेंस। तो जब आप पैनल रिपेयर करोगे तो टिकोना एसी के ऊपर लिखा रहता है गाइस हाई रेफरेंस कौन सा साइड है, लो रेफरेंस कौन सी साइड है, तो आप देख लीजिएगा शायद। और गाइस, ये जो गामा एसी है इसको ऑपरेट करने के लिए 3.3 वोल्ट की ज़रूरत होती है। अगर इस आईसी को 3.3 वोल्ट नहीं मिले इनपुट पे तो ये पूरा जो आईसी है वो काम नहीं करेगा, यानी कि आपको आउटपुट में कहीं पे भी वोल्टेज नहीं मिलेगा। तो गाइस, आपको अगर ये जो गामा एसी है इसको चेक करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो 3.3 वोल्ट इनपुट देखना पड़ेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा इसका इनपुट पिन कहाँ पे मिलेगा, तो आपको इंटरनेट पे गूगल पे जाना होगा और इस आईसी का जो नंबर है उसको लेके आपको सर्च करना पड़ेगा उसका डेटा सीट। तो डेटा सीट डाउनलोड करने के बाद आपको इसका जो गामा एसी है इसका इनपुट पिन आपको मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि कैसे डाउनलोड करता है डेटा सीट, वो भी आपको दिखा दूँगा। और गाइस, यहाँ पे मान लीजिए कि इस साइड यहाँ पे एक फ्यूज लगा रहता है इनपुट पे, जैसे ही यहाँ पे रेगुलेटर से इनपुट होती है 3.3 वोल्ट, छोटा सा जो असेंबली रेगुलेटर होते हैं उसमें 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, लेकिन आपको इस आईसी पे नहीं मिल रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, ये जो यहाँ पे फ्यूज लगा रहता है असेंबली फ्यूज, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। तो गाइस, आप बढ़ जाते हैं कि अगर गामा एसी के वोल्टेज नहीं मिलने पर क्या क्या
प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे गाइस पैनल के जैसे होता है पिक्चर के रिलेटेड प्रॉब्लम आती है इस गवा ऐसे ख़राब होने से, तो जैसे कि गाइस ब्लर पिक्चर कहीं कहीं टीवी में आप देखा होगा कि ब्लर पिक्चर है। एक इसके जरिए गाइस मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ, APROBLEM, तो ये हो गया प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम गाइस की ब्लर पिक्चर आ सकती है। और उसके बाद दो नंबर पे आपको बताता हूँ कि ब्लर पिक्चर अगर नहीं गाइस तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर पैनल में कहीं पे भी ब्लर पिक्चर आए तो आप कहाँ कौन सी पोर्शन आपको चेक करना है, तो आपको गामा ऐसी चेक करना है। उसके बाद गाइस इनपुट वोल्टेज तो आपको मैं बता ही दिया हूँ, और नेगेटिव पिक्चर भी आ सकते हैं गाइस इसकी, नेगेटिव पिक्चर तो गामा ऐसी की अगर ख़राब होने से नेगेटिव पिक्चर भी आ सकता है, तो आप कंफर्म कर लीजिएगा कि गामा ऐसी ठीक है कि नहीं। तो अगर गामा ऐसी आपका सही है और फिर भी नेगेटिव पिक्चर सही नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आउटपुट सिग्नल है यानी कि जो 8 GB का सिग्नल है, 8 GB 1.2 वोल्ट, तो गाइस उन सारे वोल्टेज को आपको चेक करना पड़ेगा कहीं पर मिसिंग तो नहीं है। तो इस सिचुएशन में आपको सबसे ज़्यादा मिसिंग होती है क्लॉक पल्स, जिसको पैनल को चलाने के लिए जो LVDS का कनेक्शन होता है उसके ज़रिए क्लॉक पल्स हमें टिक ऑन बोर्ड को मिलता है, जिसके ज़रिए हमें पिक्चर दिखाई देती है। तो गाइस ये जो प्रॉब्लम है, तो और भी कई सारी प्रॉब्लम है गाइस, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, और नहीं मिल रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए गाइस, तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम का सॉल्व इसी चैनल के ज़रिए मिल जाएगा। तो इस तरह की टिप्स आपको कहीं पे नहीं देने वाला है। तो गाइस अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिला और आपको गामा ऐसे नहीं मिले, तो आपको क्या करना होगा, एक गोल्डन टिप्स में यहाँ पे गोल्डन टिप्स जो मैंने बोला था कि लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो को, तो गोल्डन टिप्स गाइस एक DC to DC वोल्टेज मॉड्यूलर मिलता है, वोल्टेज मॉड्यूलर, और उस मॉड्यूलर का नंबर मेरे को याद नहीं है, तो मैं आप देख के तो उसका नंबर देख के गाइस मैं अपने जो कमेंट में पिन कर दूंगा। तो जो गाइस दो तरह की DC to DC वोल्टेज मॉड्यूलर मिलता है गाइस, एक मिलता है गाइस टिकॉन IC के लिए और एक मिलता है गामा IC के लिए। तो टिकॉन IC के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना के रखा हूँ, तो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और ये जो गामा IC का नंबर है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप देख लोगे। सो गाइस ये हो गया हमारे गामा IC के बारे में एकदम डिटेल में बात। तो इसको लेके आपको अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम है और कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में यानी कि गाइस कमेंट में बता सकते हो। और एक बात गाइस, ये जो मैंने आपको अभी समझाया, तो इसको स्कैन करके मेरा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पे मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, तो आप चाहे तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर पाओगे। तो अच्छे से इसको स्कैन करके मैं पोस्ट कर दूंगा मेरे इंस्टाग्राम पे। तो अभी तक मैंने इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो जाके फॉलो कर लीजिए, सिर्फ आपको सर्च करना पड़ेगा दीप इलेक्ट्रॉनिक्स, तो मेरा ID मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को।